व्यासपीठ से हम बोल रहे हों, आपको माइक लगा हुआ दिख रहा हो और आवाज नजर आ रही हो हमारी, तो आप उसको मानना कि उपाय सही है। नहीं तो आज के जमाने में तो रोग इतने उपाय डाल दिए हैं यूट्यूब पर कि चेहरा हमारा दिखा देते हैं और नाम सब अपनी अपनी भाषाओं में वर्णन कर देते हैं, और बाद में लोग कहते हैं हमने बोला उपाय करा था, हमारा काम नहीं हुआ, तो फिर वो उसके लिए हम वर्णित नहीं। पशुपति व्रत, पांच व्रत सोमवार के होते हैं, आप सबको ज्ञात है इस चीज का। सुबह के समय पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर पूजन अभिषेक करना, शाम के समय पर मीठा बना कर ले जाओ, छह दिए ले जाओ घी के, शंकर जी के मंदिर में जाकर जिस थाली से आपने सुबेरे पूजन करिए वही की वही थाली जाना चाहिए, वही की वही थाली। शंकर भगवान का पूजन करो, शाम के समय पर प्रसाद जो बना कर ले गए उसके तीन हिस्से कर दो, पांच दिए शिव जी के मंदिर में लगा दो, एक दिया थाली में ही रखे रहने दो, और तीन हिस्से में से दो हिस्से मंदिर के अंदर छोड़ दीजिए पूजन करने के बाद। बाबा से पहले दिन ही, पहले सोमवार को ही विनती कर लो, बाबा मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करे हैं, मैंने सुना है बाबा आप मनोकामना पूर्ण करते हैं, मेरे मन की यह कामना है बाबा इसको पूर्ण करिएगा। बाबा से निवेदन करो, एक दिया पूजा की थाली प्रसाद एक हिस्सा लेकर घर की ओर आई है, घर में प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ हो, राइट हैंड हो, वहीं पर बैठकर एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए और वहां पर भी कामना कर दीजिए। अंदर प्रवेश कर एक हिस्सा लेकर आए हो उस प्रसाद को भोजन करने से पहले ग्रहण करो, फिर भोजन करो, एक समय फलाहार कर लो, एक समय भोजन कर लो, पर जो मीठे का प्रसाद आप लेकर आए हो एक हिस्सा, पहले उसको ग्रहण करो फिर आप भोजन ग्रहण। ऐसे पांच सोमवार एक मंदिर में करना है, ये नहीं कि आज अपने इस मंदिर में कर लिया, अगला उस मंदिर का, अगला उस मंदिर में कर लिया, एक मंदिर में करना। जसवला धर्म आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई काम आ जाता है, तो आप उस व्रत के दिन केवल व्रत करो, आपको पूजन नहीं करना है, कोई कारण आ गया है पूजन नहीं करना, उसको छोड़ के आप अगला करो, पर करेंगे पांच ही व्रत और एक ही मंदिर में करेंगे, ये पशुपति व्रत है। पांचवा व्रत जैसे ही आज पूर्ण होने जा रहा हो तो सुबह अभिषेक पूजन करके शाम को बाबा का पूजन कर जैसा नियम है वैसा के वैसे ही कर एक श्रीफल और 108 भले चावल के दाने चढ़ाओ, मूंग के दाने चढ़ाओ, चाहे आप 108 फूल चढ़ाओ, चाहे 108 बेलपत्री चढ़ाओ, चाहे 108 आप कुछ भी चढ़ाओ, पर शंकर जी को समर्पित करो 108 वस्तु, और एक श्रीफल 11 रुपए बाबा के श्री चरणों में रखकर भाव से विनती निवेदन करो, बाबा आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना। वैसे तो मुझे विश्वास है कि जो पशुपति व्रत करता है बाबा पांच व्रत के अंदर ही ऐसी कृपा कर देता है कि उसका कार्य हो जाता है, ये शिव की कृपा। पशुपति व्रत को धारण करना, निवेदन करना, पांच व्रत पूर्ण हो व्रत पर ही बाबा को 108 बेलपत्र या पुष्प या मूंग दान या चावल जो भी आप चाह सकते हो बाबा को समर्पित करो, शिव जी को चढ़ाए।